सूबे की जेलों में बंद सजायाफ्ता बंदी भी हरियाणा की तर्ज पर अपना हुनर और आपबीती बता सकेंगे। बहुत जल्द कारा मुख्यालय सूबे की चुनिंदा जेलों में रेडियो स्टेशन स्थापित करने वाला है। सब कुछ ठीक रहा तो भागलपुर के शहीद जुब्बा सहनी केंद्रीय कारा, पूर्णिया केंद्रीय कारा और शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा मुजफ्फरपुर में इसकी शुरुआत होगी। तीनों जेलों में रेडियो स्टेशन कक्ष बनेंगे, बंदी रेडियो इसका नाम होगा। सजायाफ्ता बंदियों को रोज के कामों से अलग रचनात्मक काम से जोड़ने की कारा मुख्यालय की यह पहल है। जेल जीवन में अवसाद से दूर करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इससे पहले दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्यों में इस योजना की शुरुआत की जा चुकी है। इस कार्यक्रम को जेल से बाहर प्रसारित नहीं किए जाएंगे। जेल में स्पीकरों की सहायता से कैदियों को कार्यक्रम सुनाया जाएगा। कैदियों को प्रशिक्षण देने के लिए कारा मुख्यालय की ओर से जल्द ही एक कार्यशाला आयोजित की जाएगी। कारा मुख्यालय के अनुसार इसके लिए एक स्वयंसेवी संस्था की मदद ली जा रही है। इस रेडियो स्टेशन से रोज एक घंटे का कार्यक्रम प्रसारित होगा। हफ्ते के 7 दिनों में गीत संगीत का प्रसारण, कानूनी जानकारियां, बीमारी से बचाव के उपाय आदि के बारे में जानकारी दी जाएंगी। प्रसारण में गीत संगीत, यौन जनित बीमारी से बचाव के तरीके, स्वच्छता, कोरोना महामारी से बचाव के तरीकों के अलावा कहानी किस्से भी बंदी सुनाएंगे। बंदी अपनी आप बीती भी बता सकेंगे। सूबे की जेलों में बंद बंदियों में भी रफी साहब, मोहम्मद अजीज, मन्ना डे, किशोर कुमार के दीवाने कम नहीं हैं। कई बंदियों की आवाज़ तो उन महान गायकों की याद ताज़ा करा देती है।